बेटी का ससुराल। पल्लवी की शादी एक बड़े घराने में हुई थी, जहां वो वहां के सारे संस्कारों का पालन करती। देख बहू, कढ़ी बनाने के लिए पहले नहा ले, फिर पीले रंग की साड़ी पहन कर आना, तभी किचन में घुसना, ये नियम है यहाँ का। जी, मैं अभी पीले रंग की साड़ी पहन कर आती हूँ। पल्लवी कमरे में आती है, तभी उसकी भाभी का फोन आ जाता है। और क्या हाल है पल्लवी, क्या हो रहा है ससुराल में, कैसे हैं वो लोग? कैसे? अरे भाभी, कढ़ी बनाने गई तो सास ने बोल दिया, जा नहा कर पीले रंग की साड़ी पहन कर आ, यहाँ पीले रंग की साड़ी में कढ़ी बनाई जाती है। ये क्या नियम हुआ, ऐसे में पालक पनीर बनाना हुआ तो क्या हरे रंग की साड़ी पहननी होगी? पल्लवी और उसकी भाभी हंसी रहे होते हैं कि ननद आ जाती है। पल्लवी, तुम यहाँ फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही हो, टाइम पास कर रही हो, वहाँ मेरी माँ। पल्लवी डर जाती है कि सास को कुछ हो तो नहीं गया। पल्लवी जोर से सीरियल के अंदाज में चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? क्या हो गया सासू माँ को? अरे अभी तो ठीक ठाक किचन में छोड़ा था, और इतने जल्दी? अभी तो मैंने सास का कोई सुख भी नहीं लिया था, ना ही उनकी सेवा की। हे भगवान, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? अरे माँ को। हाँ बोलो ना, क्या हुआ माँ को? लोग क्या कहेंगे कि बहू के पैर पड़े नहीं कि माँ? चुप, बिल्कुल चुप, और मेरी बात कान खोल कर सुन। माँ किचन में है और बेसन घोल रही है कढ़ी के लिए। अरे जब माँ को ही कढ़ी बनानी थी तो तुझे घर क्यों लेकर आती? सारी जिंदगी क्या वो किचन में ही रहेगी? उनकी जिंदगी में आराम नहीं लिखा है क्या? अरे ये बात थी दीदी, आपने तो डरा ही दिया। मैं गई तो थी किचन में, वो तो माँ जी ने ही पीली साड़ी पहनकर आ कढ़ी बनाने के लिए ऐसा कहा। फिर कमरे में भाभी का फोन आ गया तो वो मैं। बस बस बातें कम करो, जल्दी से चेंज करके आओ। अब क्या पूरी कढ़ी बन जाएगी तब आने का इरादा है? पल्लवी का ससुराल बड़ा ही कायदे कानून वाला था, और कानून भी ऐसे की। अरे बहू, ये क्या कर रही है? सासुमा, मैं वो खाना खाने जा रही थी। कहाँ जा रही है? सुन, अभी तू खाना नहीं खा सकती। अभी नहीं खा सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया? अरे भूख लगी है तो खाना खाऊंगी ना माँ जी। हाँ लेकिन 4 बजे से पहले नहीं, पति की थाली में ही पत्नी खाना खाती है। पहले साहिल आ जाए, वो खाना खा ले, फिर ही तू खा सकती है। हे भगवान, ये क्या बात होती है, थालियाँ तो इतनी सारी है घर में। लेकिन पति, पति तो एक ही है ना भाभी। बीवी पति की थाली में ही खाना खाए, इस घर में रिवाज है। हे भगवान, क्या करूँ, कहाँ शादी हो गई, यहाँ जिंदगी कम जीते हैं, कानून ज्यादा चलते हैं। एक दिन, माँ जी आज मेरी माँ और मेरा भाई आ रहे हैं, उन लोगों को मुझसे मिलने का बड़ा मन था। हाँ हाँ तो आ जाए मिल ले, किसने मना किया है? लेकिन पता है ना बेटे के ससुराल कैसे जाया जाता है, पता है ना? हाँ हाँ, सीधा तो रास्ता है मेरे मायके से, ना कोई मोड़ ना रेड लाइट, जो मेरा भाई बाइक का एक्सीलेटर दबाता है सीधा दरवाजे में ही छोड़ता है। भाभी क्यों बच्चे जैसी बात कर रही हो? माँ का मतलब है भाभी के मायके से जब भी कभी भी कैसे भी ससुराल की ओर आए तो पूरे घर के कपड़े मिठाई फल फूल लेकर आए, समझी? पल्लवी सोचने लगती है कि इतने में तो पापा की आधी सैलरी उड़ जाएगी। वो माँ को फोन करके आने से मना कर देती है शाम को। अरे क्या बात है बहू, तेरी माँ नहीं आई? तू तो बोल रही थी कि उन लोगों को तेरी बहुत याद आ रही है। वही तो भाभी, मैंने तो अच्छी सी क्लिप और सैंडल भी खरीद लिए थे कि आपके मायके से जो सूट आएगा वही कल पहनूंगी। वो क्या है ना, माँ बोल रही थी कि उनको कोई काम आ गया तो वो फिर कभी आएंगे। पल्लवी ससुराल वालों से काफी परेशान रहती है। वो अपनी सहेली को इसके इलाज के लिए फोन करती है। अरे यार, मेरा ससुराल तो अनोखा ही है,
ऐसे ऐसे नियम की क्या बोलूं? अब कल एक घंटे के लिए भाई और माँ को आना था मिलने, इन लोगों ने तो 10,000 का खर्चा बता दिया। तू भी ना इतनी सी बात में परेशान है, मेरे घर में भी ऐसा ही था, लेकिन फिर मैंने अपने पति से बात की, अब तो सारा वही देखते हैं, मैं तो मासूम बन जाती हूँ। हाँ ये ठीक बोल रही है तू, रुक आने दे इनको, शाम को ही बात करती हूँ। शाम को पति के साथ जब पल्लवी कमरे में अकेली होती है, सुनिए ये क्या बात होती है, आपका घर घर कम सुप्रीम कोर्ट ज्यादा लगता है, इतने नियम कानून तो किसी कंपनी के नहीं होते जितने आप लोगों के घर के हैं। अरे क्या बात हो गई, क्यों भड़की हुई है? कल माँ आ रही थी और फिर। पल्लवी पति को सारी बात बता देती है। अब आप ही बताएं, ऐसा होता है क्या कहीं? देखो पल्लवी मैं क्या बोलूं, इकलौता बेटा हूँ तो माँ मुझसे ही सारे अरमान निकालने की कोशिश करती है। अरे उनके अरमान में हम लोगों का कबाड़ा बन रहा है ना, आप बात क्यों नहीं करते माँ जी से? नहीं नहीं पल्लवी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये वादा करता हूँ कि तुम कोई भी तरीका या उपाय निकालोगे तो उसमें साथ जरूर दूंगा। पल्लवी क्या करती, अगले रोज सहेली का फोन आता है। हो गई क्या प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं लेकिन जल्दी हो जाएगी। अच्छा चल रसोई में जा रही हूँ, देखो सास को क्या बनवाना है। अरे पल्लवी बहू जा जाकर लाल साड़ी पहन करा, वो क्या है ना आज राजमा बनेंगे। जी माँ जी। पल्लवी जाकर लाल साड़ी पहनकर राजमा बनाती है, फिर वापस कमरे में जाकर सफेद साड़ी पहन लेती है। हे भगवान ये क्या हो गया है बहू, सफेद साड़ी सुहागन नहीं पहनती पता है ना। वो क्या है ना माँ जी, पीली में कड़ी लाल में राजमा, तो मैंने सोचा सफेद में चावल बना लूं, अब क्या बार बार बदलना। नहीं बहू मुझे माफ कर दे, बस ये साड़ी बदल ले, हाथ जोड़ती हूँ। तो वादा कीजिए आज के बाद बार बार साड़ी बदलने के लिए नहीं बोलेंगी, नहीं तो सोच लीजिए। अरे नहीं कहूंगी, बस करना अब। अगले दिन, माँ जी मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। अरे क्यों 4 दिन के लिए मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या करूँ माँ जी, माँ के पास बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, अब आप तो समझ ही सकती हैं कि वो क्या हो सकती है। अब थोड़ी देर के लिए वो लोग आएंगे तो ना मन भरेगा ना ही बात पूरी होगी, फिर इतने नियम कायदे हैं इस घर के, समझ रही है ना, पापा की छोटी सी सरकारी नौकरी ही तो है माँ जी, तो आपके कायदे का पालन कैसे कर पाएंगे। और पल्लवी मायके चली जाती है। 3 दिनों तक घर का काम करके सास और ननद थक जाती है, फिर ननद का फोन पल्लवी के पास आता है। भाभी वो माँ कह रही थी कि आप अपनी माँ को लेकर यहीं आ जाओ, और हाँ वो जो फल फूल मिठाई और कपड़े वाला कानून था ना उसे भूल ही जाओ, बस आप जल्दी से आ जाओ। देखा कैसे बेटी का ससुराल खुशहाल हो जाता है।